नवनाथ एक सेल्समैन है और काम के लिए अपनी निजी बाइक से आते जाते हैं, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद अब उन्हें अपने रोजाने खाने की आदतों में कटौती करनी पड़ रही है। पहले जहां वो 700-800 रुपए हर हफ्ते खर्च करते थे, अब वो बढ़कर 1500 रुपए हो गया है। साथ ही साथ गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी गैस भी महंगी हो गई है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर 4 फरवरी से 719 रुपए का हो गया है, जो 15 दिसंबर को 694 में मिलता था। सीएनजी 49.40 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो पहले 47.90 रुपए प्रति किलो थी। पीएनजी के दाम 29.85 रुपए प्रति किलो है, जो पहले 28.90 रुपए प्रति किलो थे। इस बढ़त से मुंबई के करीब 7.5 लाख ऑटो, टैक्सियों और बस पर असर पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा घरों में जहां खाना पकाने के लिए पाइप नेचुरल गैस और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी असर पड़ा है। ज्वेलरी डिजाइनर प्रनीता नांदगांवकर की लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई। उनके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन तेल के बढ़ते दामों के साथ गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। सुवर्णा नार्वेकर महीने में 2 सिलेंडर इस्तेमाल कर लेती है। पैसे की तंगी पहले से ही थी और अब हर सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ जाने से उनका पूरा बजट गड़बड़ा गया है।